कर दिया गया सी से लेके सी बाय एफ जेड ले लिया, क्या है इसका आंसर? जीरो लेना है जब या तो रियल पार्ट जीरो हो या इमेजिनरी पार्ट जीरो, अदरवाइज लेना है जेड। तो आपको ये बताना है द सेट ऑफ पॉइंट वेयर एफ इज एनालिटिक, आपको वो सेट बताना है जहां पे जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, मैंने क्या बताया हुआ है, काउंटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शनों को एलिमिनेट कीजिए सिंगल चॉइस के क्वेश्चनों में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते, अच्छा रियल पार्ट जेड हम ये जानते हैं, एफ जेड जो होता है हमारे पास वो होता है यू प्लस आयोटा वी, यू को बोलते हैं रियल पार्ट, वी को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, ये होता है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए लेट कर लिया मैंने यू को, तो ले लिया एक्स का स्केयर और वी को ले लिया जीरो, यू को क्या ले लिया एक्स का स्केयर, वी को ले लिया जीरो, ओके। जो कि पहला ऑप्शन क्या कहता है, वो जेड लो जहां पे रियल पार्ट जीरो ना आता हो, ये रहा रियल पार्ट जीरो नहीं आएगा, ओके, क्योंकि और एक्स को ले लिया नॉन जीरो। अब चेक करते हैं ये एनालिटिक है या नहीं, सी आर इक्वेशन देखते हैं, करली यू बाय करली एक्स क्या आएगा टू एक्स, करली वी बाय करली वाई क्या आएगा जीरो, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है क्योंकि एक्स को जीरो नहीं लेना, तो यू को एक्स स्क्वायर ले लिया, वी को जीरो ले लिया, यानी कि एक्स का स्केयर प्लस जीरो आयोटा जीरो। ये अगर हम जेड ले लेते हैं तो जहां पे रियल पार्ट जीरो नहीं है इस पॉइंट पे तो जेड एनालिटिक नहीं है, और ये कहता वो सारे के सारे यू जो जीरो ना होते ये ले लो यू को एक्स स्केयर, तो यहां तो एनालिटिक नहीं बना, दैट मीन्स ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता इमेजिनरी पार्ट जीरो ना हो, उल्टा चेंज कर दो, ये तो कर दो वी और ये कर दे यू, तब भी ऐसे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या करोगे, करली वी बाय करली एक्स टू एक्स, करली यू बाय करली वाई जीरो, क्या नेगेटिव आए है एक दूसरे के नहीं आए, तो ये भी नहीं है एनालिटिक क्योंकि इसने सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। कहता है या तो रियल पार्ट जीरो मत लो या इमेजिनरी मत जीरो लो, एक काम करता हूं मैं इमेजिनरी जीरो नहीं लेता, रियल जीरो ले लेता हूं, इमेजिनरी जीरो नहीं है तब भी ऐसी यार इक्वेशन नहीं की सेटिस्फाई, ये भी रॉन्ग। दैट मीन्स सिंगल चॉइस का क्वेश्चन था, काउंटर एग्जांपल लेके तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके, तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है रियल भी जीरो नहीं होगा, वी भी जीरो नहीं होगा, तो फंक्शन कौन आ जाना है, ये आ जाना, और ये तो एनालिटिक हो जाएगा। दैट मीन्स इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी के जो ऑप्शन है सेकेंड है थर्ड है या फोर्थ है वो ऑप्शन इसके रॉन्ग है। देखिए फ्रेंड एक और क्वेश्चन करते हैं गेट 2002 का, क्या है डब्ल्यू जेड दे दिया गया एंड एफ जेड दे दिया गया, बी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कहता देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इनमें से कौन सी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म बता देता हूं, कोई भी एच जेड है इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहूंगा जब ए जेड प्लस बी या सी जेड प्लस डी की फॉर्म आए। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए या ज्यादा पावर आ जाए दो से तो वो तो हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। क्या करने वाले हैं, काउंटर एग्जांपल से एलिमिनेट करते हैं ऑप्शनों को। आप कहोगे चलो ठीक है, देखिए डब्ल्यू जेड ले लेता हूं मैं, डब्ल्यू जेड ले ली मैंने जेड, आपको सर ये जेड कैसे बनेगी, ए को लो वन, बी को जीरो, सी को जीरो, डी को वन, ओके, और एफ जेड, एफ जेड भी यही ले लो जेड, आपको कोई कैसे बनेगी अल्फा वन बीटा जीरो गामा जीरो डेल्टा वन, ये होगी पहला ऑप्शन। इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो जेड का स्क्वायर आ गया, क्वाड्रेटिक आ गई वो, तो ये लीनियर पावर में तो नहीं है इसलिए पहला ऑप्शन गया कट, ओके। नेक्स्ट पे इसको ले लो वन बाय जेड, अगर इसको वन बाय जेड लेंगे तो क्या जाना है ये इनका जोड़ जेड प्लस वन बाय जेड, यानी कि जेड का स्केयर प्लस वन बाय जेड, ये भी नहीं आई हमारे पास, तो ये लेने से कौन सा एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया थर्ड ऑप्शन। फोर्थ में क्या, फिर से डब्ल्यू जेड भी जेड और ये भी जेड, पुटअप करो, पुटअप करोगे तो यहां पे क्या जाने, फिर से ये फॉर्म आएगी फोर्थ के लिए, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा
एलिमिनेट हो जाएगा। चार ऑप्शन थे, तीन एलिमिनेट हो चुके, तो कॉमन सेंस क्या कहती है? दूसरा ठीक है। एक्चुअलिटी में क्या होता है, बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ये एक ग्रुप फॉर्म करती है, नॉन एबिलियन ग्रुप। क्या? बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक नॉन एबिलियन ग्रुप फॉर्म करती है, ओके। और उनकी जो कंपोजिशन होती है हमारे पास एफ सर्कल जी या जी सर्कल एफ, वो भी हमारे पास क्या होती है, एक बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, बाकी के जो ऑप्शन है वो हमारे रॉन्ग ऑप्शन है। तो देखिए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन करते हैं। 2001 के अंदर पूछा गया था गेट में, कहता था फिक्स पॉइंट ऑफ एफ जेड बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, कहता है इसका फिक्स पॉइंट बताइए। आपको कि सर एक बार फिक्स पॉइंट याद दिला दीजिए, फिर से भूल गए हम, यानी कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड, ये होता है फिक्स पॉइंट, ओके। आपको चलो फिर तो निकाल देते हैं, एफ जेड की वैल्यू कितनी है, 2i(z+5)/z-2i(z)। आपको सर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है आपको? मैं कहूंगा मुझे तो आती है, क्यों पूछ रहे हो? आपको सर वैसे ही टाइम पास के लिए, मैं कहूंगा चलो ये हो जाना है जेड का स्क्वायर -4i(z-5)। आपको सर अब डिस्क्रिमेंट फॉर्मूला लगाएंगे, मैं कहूंगा लगा दो। आपको सर ये होता है माइनस का बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac√(2a)। मैं कहूंगा लगाओ, माइनस करोगे तो ये आएगा 4i(+-b², 16 - 16 प्लस का 20/2, तो ये आएगा हमारे पास 4i(+-2)/2। कॉमन लेके क्या देंगे तो क्या आएगा, ये 2i(+-1)। ये आए फिक्स पॉइंट, यानी कि 2i(+1), 2i(-1)। आपको सर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करे तो दूसरा ऑप्शन मैच हो गया। मैं कहूंगा कर गए ना गलती, देखना 2i(+-1), क्या ये तीसरा नहीं दिखाई दे रहा है? आप कहोगे हो गलती हो गई सर, सॉरी। ये गलती एग्जाम में मत करना, ये जल्दबाजी मत कीजिए, ध्यान से देखिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है, बाकी के ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। सिर्फ फिक्स पॉइंट के ऊपर ये क्वेश्चन पुट अप किया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो आप, मुझे लगता है कि आप इसको बिल्कुल इजीली कर पाओगे। आप कहोगे बिल्कुल सर, हेलो हाय फ्रेंड। तो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि गेट 2004 के अंदर पूछा गया था। क्या है, एफ दे दिया u+i(v), जी दे दिया v+i(u), बी नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन, देन इट फ्लो दैट एफ डैश आइसोमॉर्फिक टू जीरो, एफ इज कन्फॉर्मल, एफ इज इक्वल टू के जी वेयर के बिलोंग टू रियल नंबर एफ इज 1, 1। ये दे दिया गया। इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये जो क्वेश्चन है हमारा एक रिजल्ट पे डिपेंड है, वो रिजल्ट आपको बता देता हूं मैं। रिजल्ट ये है, एफ अगर हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है, u+i(v) इज एनालिटिक, देन v इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। जो v है इसको u का हार्मोनिक कंजुगेट कहेंगे। क्या कहेंगे v को? u का हार्मोनिक कंजुगेट। और क्या हो जाए इफ u ऑल्सो हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ किसका, v का, देन f मस्ट बी कॉन्स्टेंट। f जो है वो एक कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाएगा। क्या? इमेजिनरी पार्ट को, किसको? इमेजिनरी पार्ट। एनालिटिक फंक्शन अगर आपको दे दिया जाए तो इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट का हार्मोनिक कंजुगेट कहा जाता है। अगर रियल पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट का हार्मोनिक कंजुगेट हो जाए तो ये कहा जाता है वो जो फंक्शन है वो एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है। आप कहोगे सर इसको अप्लाई करना और सिखा दीजिए। मैं कहूंगा देखिए, एफ दे दिया गया आपको, एफ क्या है, u+i(v). ये इस बात से आप क्या कहोगे, इस बात से हम ये कहेंगे वी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू। ये बात निकल के सामने आ गई।
जी फंक्शन भी कैसा एनालिटिक, क्या है जी, जी गिवन है वी प्लस आयोटा यू, तो यहां इमेजिनरी पार्ट कौन है यू, तो क्या कहेंगे यू इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ वी एच सी। और ये रहा रिजल्ट, अगर यू वी का हार्मोनिक कंजुगेट हो जाए, वी यू का हार्मोनिक कंजुगेट हो जाए, तो फंक्शन जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। दैट मीन्स एफ और जो ये जी फंक्शन, दीज आर कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो क्या कहोगे एफ जी आर कॉन्स्टेंट फंक्शन। अगर दोनों कॉन्स्टेंट है तो एफ का डेरिवेटिव जो आएगा वो आइसोमॉर्फिक होगा जीरो के साथ। हाँ बिल्कुल सही बात है, दैट मीन्स पहला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, बाकी के जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। आप कहोगे सर काउंटर एग्जांपल दे के बाकी के ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दीजिए, उससे मैं कहूंगा उससे क्या होगा। आप कहोगे सर उससे हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, मैं कहूंगा फिर उससे मुझे क्या है तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल के इंक्रीज होने से। आप कहोगे सर प्लीज, क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा तो हम जो एग्जाम में पजल नहीं होंगे काउंटर एग्जाम्पल से एलिमिनेट कर पाएंगे, तो ये तो समझ में आ गया। बाकी के ऑप्शनों को अगर एक बार एलिमिनेट कर दे तो अच्छा रहता। मैं कहूंगा चलो ठीक है, नया साल आने वाला है तो तुम्हारी लास्ट जो विशेज है वो पूरी करनी भी चाहिए मुझे। आप कहोगे सर थैंक यू, मैं कहूंगा कोई नहीं। देखिए करते हैं एलिमिनेट, एफ ले लिया मैंने, एफ क्या ले लिया मैंने थ्री प्लस जीरो आयोटा एफ ले लिया, तो इसका मतलब जी क्या बन के तैयार होगा, जी बन के तैयार होगा इनको एलिमिनेट, ये हो जाएगा जीरो प्लस थ्री आयोटा, ये बन के तैयार होगा। ओके फोर्थ ऑप्शन एफ इज वन वन, कॉन्स्टेंट मैपिंग कभी वन वन नहीं होती, क्यों, दो पुट करो तो भी तीन आएगा, एक पुट करो तो भी तीन आएगा, दो डिफरेंट पॉइंट लेने से सेम आंसर आ गया, तो मैपिंग वन वन तो हो नहीं सकती, ये रॉन्ग हो गया। एफ जो है स्केलर मल्टीपल है जी का, जी नहीं, थ्री आयोटा नहीं बनाया जा सकता, थ्री की मल्टीप्लाई किसी रियल नंबर से करके थ्री आयोटा नहीं बनाया जा सकता, तो ये स्केलर मल्टीपल हो, कोई जरूरी नहीं हो भी सकता बट इन जनरल नो। ये हो गया एलिमिनेट। एफ इज कन्फॉर्मल, कन्फॉर्मल क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे फंक्शन क्या हो एनालिटिक हो, और वो पॉइंट जिन पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जीरो ना आता हो। फंक्शन है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होने का मतलब उसका हर एक पॉइंट के ऊपर पहला डेरिवेटिव जीरो आएगा, दैट मीन्स ये जो है फंक्शन कभी भी कन्फॉर्मल नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव तो जीरो आएगा, और डेरिवेटिव जीरो आएगा तो उस वो पॉइंट तो क्रिटिकल पॉइंट देगा, दैट मीन्स फंक्शन क्या नहीं हो सकता, कन्फॉर्मल नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसका फोर्थ सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो ये एलिमिनेट हो गए। और आप कहोगे सर ये जो काउंटर एग्जाम्पल लेना सीखते हैं ये कैसे होता है, मैं कहूंगा ये चीजें जो आपके माइंड में आती है, ये आती है टेस्टों के माध्यम से। जब मैंने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है गेट की, उसके अंदर यही तो चीज हम सीखने लग रहे हैं। आप कहते हो सर नंबर ना आए तो मुझे, नंबर ना आए तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको वो चीज सीखने को मिलेगी, और यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। रट्टा लगता नहीं किसी, और रट्टा लगाना भी नहीं चाहिए, हमेशा क्या है नई चीज सीखने की कोशिश करनी चाहिए, कोई नया मेथड, कोई अनसीन क्वेश्चन, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होती है ये चीजें। तो इसलिए जो है आपका टारगेट अच्छा है कि नेट का, नेट के साथ साथ जो गेट है, आईआईटी जैम है, टिफर है, एनबीएचएम, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। और मेरा यही पर्पज होता है कि टेस्ट के अंदर वो सारा टेस्ट आपको दिखाया जाए कि एनबीएचएम के, एनबीएचएम के क्या होता है, टिफर के क्या होते, आईआईटी जैम के क्या होते, ताकि तुम्हारी जो कैप्चर पावर है वो चीज वर्क करे। और दूसरी बात, ये टेस्ट का जो प्रेशर होता है ना वो इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है जब हम एग्जाम देते हैं ना तो हमारा जो माइंड होता है इन जनरल, जब हम सिंपल सोल्व करते हैं या एग्जाम एक टेस्ट को सोल्व करते हैं, तो टेस्ट को सोल्व करते वक्त हमारा जो माइंड है वो 100 times ज्यादा वर्क करता है, 100 times ज्यादा सोचता है। 100 times ज्यादा सोचने का मतलब ये है वो चीजें हमारा ज्यादा इनपुट देगी। और इसलिए ये कहा जाता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, आपने याद कर लिया ठीक है, वो
आपको आता है या नहीं आता वो टेस्टों से पता चलता है। तो ये चीजें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है। आपको जो है या तो कहीं से इंस्टीट्यूशन से मंगवा के आप जो है खुद सोल्व करते रहिए, या कहीं इंस्टीट्यूट, अब तो ऑनलाइन इतना सिस्टम हो चुका है, बहुत से सेंटर ऐसे है जो ऑनलाइन जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं या और वर्क करते हैं, वो चीज़ आप पे को वर्क करना चाहिए। और मैं आप सभी के लिए कामना करूंगा कि आपका जो नया साल है वो अच्छा रहे, आप सभी का गेट भी क्लियर हो, आपका नेट भी क्लियर हो, या जिसका टारगेट आईआईटी जैम है वो आईआईटी जैम भी क्लियर हो। अब दूसरी बात ये है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये कहा था सर आप बीएससी का वर्क कीजिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे कॉलेज के अंदर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो आप सिखा रहे हो। तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ, मैंने आपको वादा किया था तो मेरा फ़र्ज ये है कि मैं आपके लिए कुछ वर्क करूँ। तो कई स्टूडेंट की जो डिमांड थी वो ये थी कि सर एक तो आप रियल एनालिसिस के अंदर मैट्रिक्स स्पेस को स्टार्ट कीजिए, तो मैं कहूँगा ठीक है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सेकंड वेक्टर स्पेस को, वेक्टर कैलकुलस जिसके अंदर हमारे पास डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ग्रीन थ्योरम, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तीसरा ये है एमएससी के स्टूडेंट है उनका भी यही था सर एटलीस्ट वन पेपर तो हमारा स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं कहूँगा तुम्हारे ऊपर भी मैं वर्क करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये जो कहते हैं सर हमें टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं आता, कई हमें मुझे ये कहते हैं सर हमें जो है कि रहमान इंटेगल तो आता हमें बट लीबेग इंटेगल नहीं आता, उस पे वर्क कीजिए। तो मैं कहूँगा एक पे वर्क करने वाला हूँ मैं, और जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर। तो टोपोलॉजिकल स्पेस को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और टोपोलॉजिकल स्पेस को मैं आपको यहाँ सब्जेक्टिव वे में एमएससी के अकॉर्डिंग करवाने वाला हूँ, ताकि नेट की भी वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हर एक थ्योरम हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो जो है अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एमएससी के लिए, तो हम यहाँ पे जो वर्क करेंगे वो करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस को बिल्कुल बेसिक वे से, और बीएससी के लिए अगर बात करें तो हम मैट्रिक्स स्पेस को सोल्व करेंगे हर एक थ्योरम को हर एक क्वेश्चनों को देखते हुए। वो सारी चीज़ हमारे आईआईटी जैम में भी बेनिफिट देने वाली है, और तुम्हें नेट के अंदर या गेट के अंदर भी बेनिफिट देने वाली है। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है आप इंजॉय करने वाले हो, और कोशिश करता हूँ कि मैं आपको रेगुलरिटी के साथ जो है वीडियो दे पाऊँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन का इतना वर्क होता है कि मैं वीडियो पे वर्क नहीं कर पाता, तो कोशिश करता हूँ मैं ये सारा वर्क आपके लिए कर पाऊँ। तो इसी के साथ जो है अपनी एक अच्छी शुरुआत करनी है, और अपने माइंड में एक संकल्प लेके चलना है कि जो ये नया साल आएगा इसके अंदर हम बहुत अच्छा वर्क करेंगे और अपने आप को सक्सेस करेंगे, और पिछली बार जो गलतियां हुई थी, जो हमने मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक हम नहीं करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। तो ऑल दी बेस्ट फ्रेंड, आप सभी को जो आने वाला नया साल है उस सब की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप इतना गेन करो, इतनी अच्छी चीजें गेन करो या इतनी नॉलेज गेन करो कि आपको ये सोचना ना हो कि आपका नेट होगा या नहीं, आपका गेट होगा या नहीं, आपका आईआईटी जैम होगा या नहीं। आप ये कहो डेफिनेटली होगा, 101% होगा, और हमें पता है ये होगा। तो ऐसे आपको वर्क करना है।